तो मस्त बनता है टेस्ट। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को। ओके हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भवानीस रसोई। तो कैसे हो आप सब? मैं आज प्रसाद के लिए दिखा रही हूँ, घोड़ा का चना भी बोलता है इसको, काबुली चना बोलता है हम लोग, काबुली चना भी बोलता है इसको कनाडा में, ब्राउन चना कोई प्रसाद में चढ़ा जाता है ना, तो मैं दिखा रही हूँ प्रसाद के लिए। तो आप लोग भी बनाइएगा इस बार ऐसे। तो मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ पानी के साथ, 3 से 4 सीटी लगा लेंगे इसको, दिखाएंगे बाद में। पहले इसको कुकर चढ़ा देते हैं, नमक डाल के इसको 4 सीटी लगा लेंगे हम, थोड़ा नरम सा ही बनाएंगे। तो ऑन करके मस्त लगता है प्रसाद, सलाद के जैसे भी खा सकते हो, अच्छा रहेगा। बंद कर लेते हैं। तो इसके लिए हम दिखाएंगे कोकोनट, अच्छा नारियल पिसा हुआ और ग्रीन चिली दिखाएंगे। तो हम इसके लिए लिए हैं सब। तो इसमें चाहिए तो कैरेट भी, तो ये देखिएगा 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने राई जीरा, थोड़ी सी हल्दी और नारियल, ज़्यादा ही लगता है, आधा कप लिया है मैंने, ऐसा बघार में जाएगा। ग्रीन चिली, रेड चिली और ये करेले, कोतमरी, बस इतना ही। तो ये हो गया, ठंडा हो गया थोड़ा कुकर। इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी रहता है। तो इसी बाउल में निकाल लेंगे। इसमें भी और नमक नहीं डालेंगे, ज़्यादा डाल दिए हैं नमक, अभी नहीं डालेंगे इसमें। तो देखिएगा दिख रहा है, डालेंगे गैस ऑन करके ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हो। इसमें जाएगा राई जीरा डालेंगे, हल्दी और कोकोनट और पत्ता, इसको डाल लेंगे थोड़ा सा कर लेंगे इसको, तो इसको पकाना कुछ नहीं है, बस करके थोड़ा सा अच्छा कर नमक छेद तो कम पड़ेगा, डाल जाएगा थोड़ा नमक ऐड कर रहा है थोड़ा सा। तो सब ऑफ कर देंगे गैस को, तैयार हो गया। इसमें मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, इसको इसमें
तैयार है, इसका नहीं है, बस इसको अच्छे से अच्छे तो गर्म भी कर सकते हो, डायरेक्ट बघार के साथ भी चने को डाल के थोड़ा गर्म कर सकते हो। प्रसाद थोड़ा शक्कर डालना था, शुगर उसमें ऐड कर लेंगे। तैयार है, प्रसाद के लिए भी बना सकते हो और ऐसे भी बना के खा सकते हो आप लोग, फिर कीजिएगा। ओके बाय गाइस, बाय, जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार।